वर्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑथेंटिक कोकनी रेसिपी जो है चून वाले 7 कप्पे के घावने। इस रेसिपी को कोकर में बनाया जाता है। काफ़ी लोग इस रेसिपी को पसंद करते हैं, खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होते हैं। खाने में इसका टेस्ट बहुत यमी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप राइस लिया है, चावल लिए हैं और 1 कप चावल को 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश किया और उसमें हमने पानी ऐड किया और इसे सोक करने के लिए ओवरनाइट रख दिया था। तो देखिए चावल अच्छे से फूले फूल चुके हैं लग रहे हैं। तो अब हम इस चावल का पानी ड्रेन करेंगे और इसे हम पीस लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पानी को ड्रेन कर लिया है। जिस पानी में हमने चावल को ओवरनाइट भीगने के लिए रख दिया था वो पानी हम फेंक दिया है मैंने। और अब हम इस राइस को एक मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है और इस चावल को हम 2 बार पीसेंगे। पहले आधे चावल को पीसेंगे, उसके बाद हम आधे चावल को पीसेंगे और हमें इसे बारीक महीन पीसना है। हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा अगर आप पानी ऐड करोगे तो ये पीसने में दिक्कत होगी, मोटे ही रहेगा, इसलिए हमने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया है और अब हम इसे बारीक महीन पीस लेते हैं। देखिए हमने चावल को बारीक पीस लिया है, महीन पीसा है और यहाँ इसमें चावल में हमने 1/4 कप पानी ऐड किया और इसे हमने पीस लिया। और इसी तरह हम दूसरे बचे हुए जो चावल है उन्हें भी हम पीस लेते हैं। बचे हुए चावल को भी हमने 1/4 कप पानी मिलाकर देखिए उसी तरह महीन पीस लिया है। हमने जो 1 कप चावल लिए थे उसे पीसने के लिए 1/2 कप पानी का हमने इस्तेमाल किया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके से, ये हमने जब पीसा तो ये गाढ़ा है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप। 1/2 कप पानी हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 कप पानी मिलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके से, फिर भी हम इसमें थोड़ा सा 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से चावल का इस्तेमाल किया है बैटर बनाने के लिए। आप इसकी जगह डायरेक्टली आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड कोकोनट। हमने यहाँ पे 1/2 नारियल ग्रेट किया और इसको देखिए इसमें ऐड किया है। 1 कप हमने मेजरिंग कप से इसे मेजर किया तब ये 1 कप हो गया। और अब हम इसे स्टर करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। हमने यहाँ पर 1/2 कप गुड़ लिया है, बारीक कटा हुआ 1/2 कप गुड़ है और गुड़ हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है और लो फ्लेम पे ही हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम लो फ्लेम पे इसी तरह स्टर करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा नमक लिया है 1/8 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून से भी कम और 1/2 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और गर्म बर्तन में ही हम इसे 1 मिनट तक स्टर करेंगे ताकि बचा हुआ जो गुड़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। कि हमने इसे स्टर कर लिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और घावने बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर काविल ली है और काविल देखिए हमारी गर्म हुई है, ये कास्ट आयरन की होती है। आप इसकी जगह पे ये जो पैन होता है नॉनस्टिक का उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पे जैसे पुराने ज़माने में किया करते थे उसी का काविल का ही इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसमें बैटर को पोर करेंगे। काविल हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। और फ्लेम को हमने अब लो रखा है और लो फ्लेम पे ही हम इस घावने को अच्छे से पका लेते हैं। देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं हमने बैटर को पोर करने के बाद। घावना देखिए साइड से कैसे ये देखिए ये काविल को छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये नीचे से अच्छे से पक चुका है। तो अब हम जो हमने ये स्टफिंग बनाई है
तो वो इसके ऊपर डाल देते हैं। आधे साइड में हमें इसे डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हल्के हाथों से हमें इस पर इसे रखना है। देखिए इस तरह से हमने फिलिंग को रख दिया है और अब हम इस साइड को इसके ऊपर रख देते हैं। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम बैटर को फिर से चम्मच से हिलाएंगे अच्छे से और इस तरह से पोर करेंगे। और अब हम इसे पकने तक 3 मिनट तक ऐसे ही वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी फिर से ये घावने ने देखिए कैसे ये काविल को छोड़ लिया है साइड से, और इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से जो हमने ये चून बनाया है ये डाल देते हैं। फिलिंग को हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। अब देखिए ये वाली जो साइड से इस साइड को हम इसके ऊपर रख देते हैं। देखिए कैसे क्रिस्पी हो गया है। और अब हम इसे फिर से ये साइड में घी लगाएंगे, घी से अप्लाई करेंगे और बैटर को पोर करेंगे। को डाल देते हैं। इसी तरह हमें 7 बार करना है। अब ये वाली जो साइड्स है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। और साइड में घी अप्लाई करेंगे और फिर से हम बैटर को पोर करेंगे। देखिए आपको ये जो कलर नज़र आ रहा है ये गुड़ की वजह से है। देखिए यहाँ पर भी ये इसमें जो इसमें भी आपको जो नज़र आ रहा है ये भी गुड़ का ही कलर है। अगर आपको इस तरह का कलर पसंद नहीं है तो आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ की वजह से ये कलर आया है, लेकिन गुड़ का भी अपना एक टेस्ट होता है, इसलिए हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। तो अब हम फिर से इस पर इस तरह से फिलिंग रख देते हैं। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करोगे तो ये पूरा की पूरा ये वाइट रहेगा, इसमें ये इस तरह के दाग नहीं आएंगे, ये जो कलर है ये नहीं आएगा। तो अब ये वाला पार्ट हम इसके ऊपर रख देते हैं और फिर से उसी तरह करेंगे हम। लेकिन आप जब भी बैटर को पोर करोगे तो अच्छे से बैटर को चम्मच से हिला के लेना है, क्योंकि नीचे बैठ जाता है चावल का जो पेस्ट होता है। ये जो परत हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये 5वीं मर्तबा है। 4 बार हमने इस तरह का फोल्ड इसे लगा लिए है। इससे पहले भी हमने घावने की काफ़ी रेसिपीज़ अपलोड की है, मैदे वाले चून वाले, तो आप वो भी देख सकते हो। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब ये वाला पार्ट फिर से हम इसके ऊपर रख देते हैं। जब इसके लेयर ज़्यादा होते तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। फिर से हमने घी लगाया है और इस तरह से बैटर को पोर किया है। ये 7वीं बार हम इसके ऊपर ये फिलिंग रख रहे हैं और ये इसे हम जब पलटेंगे तो ये 7 बार कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अब हम जैसे सारे हमने पलट लिए है उसी तरह ये भी हम पलट लेंगे।
देखिए इसी तरह ये हमने ये घावने बना लिए हैं, कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। चून वाले 7 कप्पे के घावने हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और हमने इसे सर्व किया है। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी तो फीडबैक मुझे ज़रूर देना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।